17.5 साल का सफर तो सेफ शॉप का है, लेकिन 17.5 साल का सफर कुछ ऐसा है कि कई बार तो सोच कर लगता है कि ये रियल है या कोई ख्वाब है, ये कोई सपना है या हकीकत है, और अक्सर हकीकत कम और ख्वाब ज्यादा नजर आता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत रही है ये जिंदगी, ये 17 साल 17.5 साल इतने अच्छे बीते हैं कि सच में ख्वाब ज्यादा लगता है और हकीकत कम लगता है। कई बार अपने आप को पिंच करके देखता हूं कि मैं वही हूं क्या, क्योंकि अगर उसके पीछे जाऊं, अगर करीब 25 साल 26 साल 27 साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जब मैं नौकरी करता था, जब मैं यूनिफॉर्म पहनता था, मैं एक रेबिलियन था, उल्टा सोचता था, मेरी खोपड़ी तो उसमें सीधे विचार कम आते थे, उल्टे विचार ज्यादा आते थे, मैं बागी टाइप का था, आज भी लगता हूं थोड़ा सा, सेफ शॉप ने काफी बदल दिया है। तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में मिसफिट था, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर आ गया, और आ गया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी कंपनी में जहां पर हम सब एक लेवल पर हैं। यहां पे जो पीछे खड़े हुए हैं उनके भी गले में आई कार्ड देखेंगे, या जो यहां पे बैठे हुए हैं उनके गले में भी आई कार्ड देखेंगे, और जो सामने बैठे हुए हैं उनके गले में भी जो आई कार्ड है जो कंपनी ने बना के दिया है उसके ऊपर एक ही चीज लिखी हुई है, वो लिखा है सेफ शॉप कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। हम सब एक ही लेवल पर हैं, हाँ या ना? हम सब के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? हम सब बराबर कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? हम सब 2 लाख रुपए पर वीक एक आईडी पर, 6 लाख रुपए पर वीक 3 आईडी पर, रिटेल में 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक आईडी पर कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? हम सब बराबर हैं, बजाइए ताली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों आज के दिन स्पेशली जो सामने की रो में बैठे हुए लोग, जो डायमंड डबल डायमंड और हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे सामने बैठे हुए हैं, अगर मैं इनसे एक सवाल पूछूं, इनके माध्यम से, ये सवाल सबके लिए है, मैं अगर इन लोगों से सवाल पूछूं, तो क्या आप आज के दिन कल्पना कर सकते हैं कि आपको हर रोज सुबह 6 बजे या 5 बजे उठना हो? हर रोज सुबह आपको 5 बजे उठना हो, फटाफट नहा के जल्दी जल्दी बिना ठीक से खाए पिए फटाफट भाग के आप ऑफिस पहुंचे, हर रोज फिक्स टाइम पर उसी टेबल में जाके बैठे, उसी ऑफिस में जाके बैठे, वही काम करें और रात तक करते रहे, और फिर पीक आवर्स में सुबह निकले और पीक आवर्स में ड्राइव करके वापस आए। ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा हफ्ता ऐसे निकाल दें, पूरा महीना ऐसा निकाल दें, पूरा साल ऐसे निकाल दें और पूरी जिंदगी ऐसे निकाल दें, क्या कल्पना कर सकते हैं? फ्रंट में लोग बैठे हुए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो आगे बैठे हुए हैं हमारे लीडर्स, क्या एक बार कल्पना करके देखिए, सोच के देखिए, हर रोज सुबह 5 बजे उठना हो, 6 बजे उठना हो, और रात को जब आप टीवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो या कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम देख रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में ये दुविधा हो कि टीवी बंद करके सो जाऊं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, या टीवी देख लूं, और फिर आपको अल्टीमेटली वो डिसीजन लेना पड़े कि टीवी बंद कर दो क्योंकि अभी सोना जरूरी है, क्योंकि सुबह आंख खुलेगी नहीं तो बॉस गाली देगा। मैंने वो जिंदगी जी हुई है, और आप में से भी काफी लोगों ने वो जिंदगी जी है ना। आज सोचना बड़ा मुश्किल लगता है, आज सोच के शायद रूह कांप जाती है कि यार ये भी कोई जिंदगी होती है कि हर रोज आपको वही काम करना पड़े, उसी टाइम पे जाना पड़े, और जिंदगी भर लगभग उतना ही कमाएं। ना कमाई बढ़ेगी, ना कोई रुतबा बढ़ेगा, उन्हीं लोगों से मिलोगे, उसी बॉस के सामने जाओगे, वही बातें करोगे, वही काम करोगे हर रोज, कितना बोरिंग लगता है ना आज के दिन सोच के। लेकिन भाइयों, हमारे बिजनेस के बाहर ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, ज्यादातर लोग जो नौकरी करते हैं उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है? जो लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, जो छोटे मोटे धंधे चलाते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है? उनकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट होता है, कोई चेंज होता है क्या? दोस्तों, इतना स्कोप है हमारे बिजनेस में, इतना पोटेंशियल है हमारे बिजनेस में कि आप जिंदगी भर भी लगे रहेंगे तो इस काम में कोई कमी नहीं आ सकती है। आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, पता क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या चाहिए हमें सबसे ज्यादा? हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लोग चाहिए, और दुनिया की 20% आबादी तो हमारे यहीं पर रहती है ना, क्यों? दुनिया की 20% आबादी
हमारे देश में रहती है, 132 करोड़ हो गए हैं हम लोग, और यहां पर तो 5000 लोग ही बैठे हैं ना। मेरी टीम है आज 4,25,000 लोगों की, उसमें से 5,000 यहां पर बैठे हुए हैं। बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोग फील्ड में हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, और हमारे सेफ शॉप एडवाइजर्स की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सेल्स निकाल के लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो हमारे बिजनेस में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो तो हो रही है ना, प्रोस्पेक्टिंग होती रहेगी, प्लान शो होते रहेंगे, फॉलोअप होते रहेंगे, तो सेल्स आती रहेंगी, इनकम आती रहेगी, कैपिंग आती रहेगी, और वहां से उठकर भी लोग एम्परर बनकर यहां पर आएंगे, वो मैं देख रहा हूं। आज यहां पर 5,000 लोग हैं, आज यहां पर 5,000 लोग बैठे हुए हैं, 5,000 इवोल इंडियंस बैठे हुए हैं, तब नजारा इतना शानदार है। यहां से जो नजारा नजर आता है ना, वो कहीं और से आता ही नहीं है, पूरा स्टेडियम घूम लिया। आज जब यहां पर 5,000 बैठे हुए हैं और इतनी एनर्जी है, इतना जोश है, कल्पना करिए, मेरे तो रोंटे खड़े हो रहे हैं सुनकर और सोचकर और समझकर और कल्पना करके कि जब हम 16 दिसंबर को 5,000, 10,000 नहीं, 15,000, 20,000 नहीं, 25,000 इवोलियंस एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। 16 दिसंबर को जब 25,000 इवोल इंडियंस एक छत के नीचे होंगे तो कितना जोश होगा, तब कितना एक्साइटमेंट होगा, तब वहां से क्या मैसेज जाएगा। और जो 25,000 इवोल इंडियंस जिसमें आप सभी होंगे और आपकी टीम भी होगी, जब एक छत के नीचे बैठे होंगे और हमारे लीडर्स हमारे सामने होंगे, तो वहां पर जो नजारा आपकी आंखों के सामने हो रहा होगा, जिसको आप आंखों में लेकर जाएंगे फील्ड में, उसके बाद हमारे बिजनेस में क्या क्या होने वाला है उसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। जब 25,000 इवोल इंडियंस पूरी तरह से मोटिवेट होकर फील्ड में निकलेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब 25,000 नहीं, 1,25,000 लोग भी एक साल बाद या दो साल बाद या तीन साल बाद किसी बड़े स्टेडियम के नीचे खड़े होंगे और फिर से एक साथ में बोलेंगे कि हम सेफ शॉपर्स हैं, हम इवोल इंडियंस हैं। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? एक छोटी मछली अगर पानी में है, समुद्र में है या झील में है या नदी में है, तो बहुत सारे खतरे होते हैं ना। जब एक मछली पानी में होती है तो बड़े सारे खतरे हैं ना, बड़ी मछली उसको खा सकती है, कोई शिकारी उसको पकड़ के ले जा सकता है, मार सकता है, कोई मगरमच्छ उसको खा सकता है, बड़े सारे खतरे हैं ना। अगर ये मछली थोड़ी समझदारी दिखाए अगर और घबरा कर पानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि यहां पर बहुत खतरे हैं, तो क्या होगा? मछली जब तक पानी में है, बड़े सारे खतरे हैं उसके लिए, उस खतरे से बचने के लिए अगर वो मछली पानी से बाहर निकल कर आ जाए तो क्या होगा उस मछली का? वो मर जाएगी। वो जिंदा कब तक है? जब तक पानी में है। इसलिए हम सब तरक्की कब तक करेंगे, ग्रो कब तक करेंगे? जब तक हम इवोल इंडिया सिस्टम के साथ हैं। और कोई मछली घबरा कर इवोल इंडिया का दामन छोड़कर बाहर चली गई तो उसका मरना निश्चित है। लेकिन अगर बने रहे इस सिस्टम के साथ, लगे रहे इस इवोल इंडिया सिस्टम को फॉलो करने में, तो हमारी तरक्की निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले साल हम वहां से उठकर आएंगे और यहां पर हमें तलवार दी जाएगी और वो बड़ी सी माला आपका इंतजार कर रही होगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और एक टिप तो मैं यहां से जरूर देके निकलूंगा आपको, एक बात तो जरूर बोल के जाऊंगा आपको। स्टेज पे आया हूं और भाषण सुनने के लिए आप तैयार हैं, आपने पहले से बोला, तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान देके जाऊंगा ना। एक ज्ञान की बात और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक पते की बात आपको यहां से बता रहा हूं। रामायण देखी आप लोगों ने? रामायण में एक कैरेक्टर था बाली, सुना है? कौन था वो? किसका भाई? सुग्रीव का भाई। वो हारता नहीं था कभी भी, बाली कभी हारता नहीं था ना किसी भी लड़ाई में। क्यों? क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि वो जिसके साथ भी लड़ेगा उसकी आधी ताकत
बाली के अंदर आ जाएगी। बाली के अंदर अपनी खुद की ताकत बहुत थी, लेकिन जिसके साथ वो लड़ रहा है उसकी भी आधी ताकत इसके अंदर आ जाती थी, इसलिए बाली कभी हारता ही नहीं था। याद है ना, रामायण में बाली था या नहीं था, उसके पास ऐसा वरदान था या नहीं था, मुझे नहीं पता, पर हम सभी सेफ शॉप एडवाइजर्स के पास एक वरदान मिला हुआ है कि जिसको हम ज्वाइन कराते हैं उसकी आधी ताकत नहीं पूरी ताकत हमें मिल जाती है। उसके सारे कॉन्टैक्ट आपके, उसका सारा हौसला आपका, उसका सारा टाइम आपका, जो भी रिसोर्सेज उसके पास है वो सब आपके, और आपके पास जो नॉलेज है और वो जो एक्सपीरियंस आपके पास में है वो सारा का सारा उस नए एसोसिएट का। ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम बाली से तो डबल पावर वाले हो गए ना, बाली को तो आधी ताकत मिलती थी अपोनेंट से, हमें तो सारी की सारी ताकत मिल जाती है जिसके साथ भी हम हाथ मिला लेते हैं। इसलिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपना नेटवर्क बढ़ाना होगा, और अपने नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने के लिए तो परिवारों को ज्वाइन कराना होगा, इंडिविजुअल्स को नहीं ज्वाइन कराना होगा। करेंगे? जो ऐसा करेंगे उनका नेटवर्क देखना कभी भी टूटेगा नहीं, उनके नेटवर्क पे कोई अटैक नहीं करेगा। अभी चांद रसीद साहब कुछ बहुत सारी कंपनियों के नाम ले रहे थे, उसके पहले हमारे दूसरे डायमंड भी कुछ कंपनीज के नाम ले रहे थे। ये कंपनीज, ये लोग, ये भूखे भेड़िए उन जगह पर जाकर अटैक करते हैं जो कमजोर होते हैं, जहां पे उनके रिश्तों की नींव कमजोर होती है, जहां पे अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में बॉन्डिंग की कमी होती है, वहां पर अटैक करते हैं। हमारे ऊपर अटैक करके दिखाओ ना, हमें अप्रोच करके दिखाओ ना, हमारा प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाओ ना, हमें मैसेज भेज के दिखाओ ना। भेज सकते हैं? हिम्मत है किसी के अंदर जो हमें अप्रोच कर ले? नहीं कर सकता। हम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, बात करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, उसका मैसेज देखने से पहले डिलीट कर देंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे, उनके लिए हमारे घर में जगह नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेशंस इतने स्ट्रांग है वो इंडिया में, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हमारे बीच में कि हमें कोई हिला ही नहीं सकता, इसलिए हमारी तरफ कोई देख भी नहीं सकता। अगर आपने अपने डाउनलाइन के साथ में ऐसे वाले रिलेशन बना लिए तो क्या आपके डाउनलाइन के पास जाने की हिम्मत किसी की होगी? बोलिए। उल्टा क्या होगा, आपकी ताकत को देख के, आपकी एकता को देख के, आपके बॉन्डिंग को देख के उनके हौसले टूट जाएंगे। दोस्तों जिस स्टेडियम में आप बैठे हैं ना, जहां पर आप बैठे हैं स्टेडियम का नाम तो आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि दंगल फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी। शूटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो शूटिंग जिस स्पेस पे हुई थी, जिस जो रियल स्टोरी जो थी, उस रियल स्टोरी के हीरो हीरोइन यहीं पे पैदा हुए हैं। इसी स्टेडियम में सन 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो हमारे पहलवानों ने, हिंदुस्तानी पहलवानों ने दुनिया भर के पहलवानों को यहीं पटकनी दी थी, यहीं पर उनको जमीन से रगड़ा था, यहीं पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। ये वही जगह है जहां पर आमिर खान कहीं बैठ के शूटिंग कर रहा था। पता नहीं वो कहां पर बैठा था, कौन सी कुर्सी पर बैठा था, मुझे नहीं पता। फिल्म तो कई बार देखी है, लेकिन वो कौन सी कुर्सी पे बैठ के उसने शूट किया था मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई आमिर खान की कुर्सी पे बैठा हुआ है आज। और बहुत सारे ये जो लोग नीचे बैठे हुए ना, ये उस प्लेइंग एरिया में हैं जहां पर दंगल हुआ था, जहां पर कुश्ती लड़ी जाती थी, जहां पर एक पहलवान दूसरे पहलवान को सिर से उठा के पटकता था। ये वही जगह है जहां पर आप लोग बैठे हुए हैं, और यहां पर उन लोगों को जगह मिली है, यहां पे वो पहलवान बैठे हुए हैं इस वेल के अंदर, इस प्लेइंग एरिया के अंदर, जिनसे हमें बहुत उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी बड़े से बड़ी कंपनियों को और बड़े से बड़े नेटवर्क को पटक नहीं देने वाले हैं। देंगे? देंगे? क्या करना पड़ेगा? अपना जोश दिखाना पड़ेगा, अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अपना जुनून दिखाना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार हैं? बड़े सारे लोग एक कॉन्सेप्ट को गलत समझते हैं, बड़े सारे लोगों के दिमाग में गलत धारणा है टाइम फ्रीडम को लेकर। टाइम फ्रीडम की बात करते हैं ना हम डायरेक्ट सेलिंग में, हमारे बिजनेस में टाइम फ्रीडम की बहुत बात होती है, और बहुत सारे लोगों को एक गलत धारणा है टाइम फ्रीडम का। मतलब वो समझते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे पास अच्छी साजी टीम होगी, उस वक्त मुझे काम नहीं करना होगा, मेरी टीम काम करेगी और मुझे इनकम आएगी। ये गलत धारणा है। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है।
टाइम फ्रीडम का मतलब कुछ और होता है। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आपका दिल करे तो आप 8 बजे की बजाय 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 12 बजे उठे, आपकी मर्जी। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आपका जब दिल करे तब आप उठ के फील्ड में जाएं। टाइम फ्रीडम का मतलब यह होता है कि आपका जहां पर दिल करे आप वहां पर जाके काम करें। टाइम फ्रीडम का मतलब यह होता है कि आप चूज करें कि आपको किसके साथ काम करना है। पर टाइम फ्रीडम का मतलब यह नहीं होता कि हमें काम नहीं करना, हमें काम करना है पर अपनी मर्जी के हिसाब से करना है। काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन किसी के दबाव में आकर नहीं करनी, कंपल्शन के साथ में नहीं करनी, अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना है और मेहनत करनी है। और मैं आपको अपने 17.5 साल के एक्सपीरियंस पे एक बात बता सकता हूं। 17.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, 4.25 लाख लोगों की टीम है मेरे पास, तो एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का। और 17.5 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप हर रोज बिना किसी दबाव के, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी घबराहट के 15 से 16 घंटे काम कर सकते हैं और आपको थकान महसूस भी नहीं होगी। जब एक आदमी नौकरी पे 1 घंटा या 2 घंटे भी ओवर टाइम करता है ना, या उसका बॉस बोलता है 15 मिनट लेट हो जाओ, तो उस दिन उसका मूड खराब होता कि नहीं होता? अगर छुट्टी आपकी 6 बजे हो रही है और आपका बॉस बोले 6:30 बजे तक काम कर लो, तो मूड खराब होता कि नहीं होता? होता है ना, थकान महसूस होती है। घर में जाते हैं वाइफ को बोलते हैं एक कॉफी पिला दे, बहुत थक गया आज। लेकिन ये ऐसा प्रोफेशन है जहां पर 15-16 घंटे काम करते हैं हमारे लीडर्स, 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं हमारे लीडर्स, और थकान कभी भी नहीं होती, थकता कोई भी नहीं है, कॉफी जाके मांगता नहीं और ये जाके बोलता नहीं कि मैं थक गया। क्योंकि पता है ये काम में मजा क्यों आता है, थकान पता क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने परिवार के लोगों के साथ में ही रहते हैं सारा दिन, हम उन लोगों के साथ में काम कर रहे होते हैं जिनसे हमें लगाव है, जिनसे हमें प्यार है, जिनकी तरक्की में हम खुश होते हैं, और वो लोग हमारे साथ घूमते हैं जो हमारी तरक्की में खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। शानदार प्रोफेशन है, जबरदस्त प्रोफेशन है, बहुत जबरदस्त स्कोप है। मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज यहां पर कैपिंग अचीवर्स कुछ अवेलेबल थे, कुछ बीच में चला जाना पड़ गया, कुछ कल भी यहां पर होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि कैपिंग अचीवर्स के लिए, एम्परर्स के लिए जगह कम पड़ जाएगी और यह स्टेज छोटा हो जाएगा। वो दिन आएगा। कौन कौन आना चाहता है यहां पर? टाइम फ्रीडम का मतलब गलत मत निकालिए, टाइम फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से काम कीजिए, आजाद होकर काम कीजिए, अपने बॉस खुद बन जाइए, अपने मालिक खुद बन जाइए। और जब मालिक काम करता है ना, तो बहुत दिल के साथ में काम करता है, बहुत शिद्दत के साथ काम करता है, मन लगाकर काम करता है, दिल के साथ काम करता है। और यहां पर हम सब अपने बिजनेस के मालिक हैं, हम सब सेफ शॉप एडवाइजर हैं, हम सब ऑल इंडियन हैं और हम सब अपने बिजनेस के ऑनर हैं। तो अपनी ऑनरशिप दिखाइए, जान लगा दीजिए, मेहनत की जो इंतहा होती है, जो हाइट्स होती है, उसको भी पार कर जाइए। इतनी मेहनत कीजिए कि आज के बाद जो डिबेट चलती है ना कंपनियों में आपस में, एक कंपनी का एडवाइजर दूसरी कंपनी के एडवाइजर को बोलता है मेरी कंपनी नंबर 1 है, वो बोलता है नहीं मेरी कंपनी नंबर 1 है, ये डिबेट खत्म हो जाए। आज शायद कोई लोग आपके साथ डिबेट करते होंगे कि नहीं बताइए आपकी कंपनी नंबर 1 कैसे है और हमारी कंपनी नंबर 1 क्यों नहीं है, ऐसी डिबेट हो जाती होगी ना। कुछ ऐसा करके दिखाओ मेरे दोस्तों कि आज के बाद कोई हिम्मत भी ना करे आपसे डिबेट करने की। जब सेफ शॉप का नाम आए तो उसका मुंह बंद हो जाए, जब सेफ शॉप का नाम आए तो धुम धमा के भाग जाए, जब सेफ शॉप का नाम आए तो कहे कि यार इससे अच्छी कंपनी कोई है नहीं, इनके लोगों के पास तो मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इनके सामने बैठ गया तो ये उधेड़ के रख देंगे, ये खोल के रख देंगे। तो उसके लिए आपका जोश चाहिए। मैं तो अभी चला जाऊंगा और अगली बार आपसे मिलूंगा 16 दिसंबर को। कब मिलूंगा? 16 दिसंबर को मिलूंगा और 16 दिसंबर को हम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होंगे। 25,000 सेफ शॉप एडवाइजर होंगे सिर्फ टीम ऑल इंडिया के। कितना मजा आएगा। आप में से कौन कौन होगा मेरे साथ? और आपके साथ 10-10 लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 10 नए परिवारों को कम से कम अपने साथ ऐसा जोड़ना होगा कि आप जहां जाएं वो आपके साथ चलें। ऐसा जोड़ लेंगे तो फिर एक बार
ऐलान कर दे और बता दे कि अब हम कंपटीशन को खत्म करने जा रहे हैं, एक बार यहां से ऐलान कर दे और दिखा दे सबको कि सेब शॉप के सामने कोई ना खड़ा था, ना खड़ा है, ना कभी खड़ा होगा, दिखा दे। तो एक बार खड़े हो जाएं, फिर एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि दंगल का आगाज यहीं पे हुआ था, दंगल यहीं पे शूट हुई थी, यहीं पे हमारे पहलवानों ने पटकनी दी थी। तो एक बार फिर से करके दिखा दे दंगल स्टाइल, क्या करना होगा? अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी जोर से बंद कर लीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए वहां पर, और अपना राइट हैंड यहां पर ऐसे कर लीजिए, और उसके बाद अपने राइट थाई को उठाइए और एक बार जोर से पटक के दिखाइए, जैसे पहलवान करके दिखा, ऐसे नहीं, जैसे एक पहलवान कुश्ती लड़ने से पहले, दंगल शुरू होने से पहले दूसरे पहलवान को ललकारता है और बताता है कि एक मिनट में तुझे पटक दूंगा, वैसी वाली करके दिखाएंगे, करेंगे कैसे? जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को चुनौती पेश करता है, वैसे कैसे? 1, 2, 3 माँ के पेट, एक बार फिर से 1, 2, 3 आवाज नहीं आई, ऐसी आवाज निकाल दो, ऐसी आवाज निकाल दो कि पूरी दुनिया में ये आवाज पहुंच जाए, ये कंपन पहुंच जाए, ये वाइब्रेशंस पहुंच जाए कि आज के बाद सेफ शॉप एडवाइजर्स से टकराने की हिम्मत मत करना। करते एक बार, तो अब तक हमने रिहर्सल की थी, अब एक बार फाइनल करते, 1, 2, 3 विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग समर कॉन्फ्रेंस इन द स्टेडियम, थैंक यू।